बाबूजी आप लोगों ने हमारी आवाज में बहुत कांड सुना। कुछ दिन पहले देवरिया कांड आप लोगों के बीच में मैं भेजा था, जिसे आप लोगों ने बहुत सारा अपना दुलार और प्यार गाना के माध्यम से दिए। हम ओम प्रकाश सिंह यादव एंड पूरी पार्टी बक्सर बिहार, आप लोगों का तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं। एक और कहानी प्रकाश में आई है और मुझे ये आशा नहीं विश्वास है कि इस गाना को आप लोग सुनेंगे मिजाज से तो आंख से आंसू आवे या न आवे, इंसानियत नाम का चीज अगर सीने के अंदर होगा तो कलेजा मोम बन जाएगा। जैसा कि स्टेज पर इस साल इस गाना को मैं गाया था सीजन में और आप लोगों ने स्टेज पर मंच के माध्यम से बहुत सारा प्यार दुलार दिए थे, मैं आभार प्रकट करता हूं इसके लिए। और ओम प्रकाश यादव गायक आप लोगों का आभारी है, कर्जदार है इस जिंदगी में। इस कर्जा को आप लोगों को मैं चुका तो नहीं सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि अपने गाना के माध्यम से आप लोगों का दिल मैं हमेशा खुश रखा करूं। एक ही लाइन पर ई पूरा बिरहा लिखल बा, ध्यान दिहन तनी। आज के ऐसा जमाना हो गइल बा कि जे अपना दुख से दुखित नहीं के, वो दूसरा के सुख दे के बहुत ज्यादा दुखित बा। फलनवा कैसे रोज शुगर क्रीच लगावल कपड़ा पहन के चलता, रोज कहाँ जाता। ओम प्रकाश रात भर आई माई या बाबू चिल्ला तणन, जाड़ा हो गर्मी हो बरसात हो आप लोगन का प्यार लूटा तणन। लेकिन दूसर का बगल वाला सोचत बा कि अरे यार रोज कहाँ जाला, साफे साफ पहन के जाला एकदम क्रिच लगो। अच्छा मौका मिली ना तो कबो भीड़ भाड़ में सियाही छिड़क। आप मेहनत कैले बड़ा समय से अपना खेत में पानी दिहला, रोपनी कैला, सुहनी कैला, खाद दिहला, दवाई के छिड़काव कैला, तहार धान खूब सुंदर भई। लेकिन तहार पड़ोसी वाला रोप के धान आ दिन भर द्वारे द्वारे बैठ के 29 तास खेल ले बा। तहार तू मेहनत कैले बड़ा, टाइम टाइम से कुल चीज देले बड़ा, तो बड़ा अच्छा लागल बा, धान के उपज अच्छा भइल बा, ओकर जरी आई मार देले बा, सुखा गइल बाटे। टाइम से न सोहनी कैलस, न टाइम से छिड़काव कैलस, न खाद दिहलस। लेकिन सोचता कि हमारा जरिए फलनवा के खेतवा में सरवा बड़ा धान लागल बा भाई, आ हमार तन कुछ ना भाई। अच्छा रुक, रात में जोगी बाबा के साणन छोड़वा दे, छोड़ के चरवाई, मतलब जलन द्वेष, जे अपना दुख से दुखित नहीं खे वो दूसरा के सुख देके बहुत दुखित बा। यही लाइन पर बिरहा लिखल गल, लेकिन कवि जी बड़ी सुंदर भाव दिहलन भूमिका के लाइन में कि शिक्षा आज के युग में कितना जरूरी बा। हम कहते हैं कि ए बाबू, ए हमारे बिरहा सुनने वाले प्रेमी, आधा पेट खाओ लेकिन अपने बच्चों को, अपने बच्चों को आधा पेट खाकर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छा तालीम दो, अच्छा शिक्षा दो। ये नहीं सोच करके कि मेरा बेटा पढ़ जाएगा तो सरकारी नौकरी करेगा, नहीं चाहिए सरकारी नौकरी। अगर उसे आप अच्छा तालीम दिए हैं, अच्छा शिक्षा दिए हैं, पढ़ाए हैं लिखाए हैं, तो जिंदगी में किसी दुनिया के कोने में रहेगा, अपने जिंदगी का गुजर बसर आराम से कर सकता है। तो शिक्षा बड़ी जरूरी है आज के दुनिया में। चार लाइन भूमिका के भाव लिखल गिल का, 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 का,
हर शिक्षा शिक्षा बिन मानव का जीवन अंधेरा। समस्या बड़ी पर दिखाई न देता, ये नफरती की आगी में सब जल रहा है। यहां कोई दिल से बधाई न देता तो जालिम जमाना या जालिम है मानो। कहूं दोष किसका, ये दोनों हैं अपने। हवलदार कर्मों में विश्वास कर, झूठे ये दोनों दिखाते हैं सपने। मैं उस कवि को धन्यवाद देना चाहता हूं जो कवि जी इस गीत को लिखे हैं। एक लाइन तर्जमा मास्टर का, तर तब पुरान बा जगदीश बेटा, लेकिन आज भी एक में वो तने रवानी बा तर्जमा का, कि पंजाब के बोतल में अरे कश्मीर का पानी है। लखनऊ की नजाकत है तो बॉम्बे की जवानी है। मगर हमरे विरह का भाव दिहल गल कवि जी बड़ा अच्छा लाइन लिखल का लिखल कि तू आन के का कहब ए बाबू दूसरा के का कह तू आन के का कहब जब अपन बेगाना बा।
के का करब, कुल जान के का करब, जब ऐसा जमाना नजम के लाइन में कवि जी लिखलन, हमार विरह का शुरुआत हमें से हो गल, कहानी कहाँ से लिखल गई, केकर कहानी बा, कैसन कहानी बा। हर माई बाबू अपना औलाद खातिर ये चाहेला, माता पिता का सपना या पार होता है, माता पिता का सपना या पार होता है, औलाद ही तो जीने का आधार होता है। तनी बात समझ ला, एकदम हमार कहानी साफ साफ समझ में जाए। शीशा में जैसे सूरत लौकेला, हमार बिरह एकदम शीशा जैसन चमकेले। कहानी कहाँ का बा, जिला सुल्तानपुर में गांव फूलपुर सही, जिला सुल्तानपुर में गांव फूलपुर सही, कहूँ क्या हाल यारो सच्ची दस्तूर सही। केकर कहानी बा, बिहारी मास्टर ट्यूशन पढ़ाना काम रहा, यही थी खासियत पूरे शहर में नाम रहा। लेकिन 25 वर्ष के उम्र में भी कुंवारे थे, 25 वर्ष के उम्र में भी कुंवारे थे, करूंगा शादी नहीं यही मन बिचारे थे। मगर समाज का दबाव मन को मोड़ दिया, मगर समाज का दबाव मन को मोड़ दिया, सगाई हो गई सविता से नाता जोड़ दिया। उत्तर प्रदेश जिला सुल्तानपुर, ए बाबू सुल्तानपुर में एक छोटे गांव, जो ना गांव का नाम फूलपुर पत्रिका में बतावल बा, और फूलपुर में बिहारी मास्टर नाम का एक व्यक्ति रहत रहल। परिवार में केहू ना रहे, न माई न बाबू, केहू परिवार में रहे ना, अकेले जिंदगी बितावत रहन, लेकिन बड़ा नेक काम करत रहल। गांव में रह के लड़िकन का कोचिंग करावे, ट्यूशन करावे, आ ट्यूशन करा के अपन खर्चा बर्चा जिंदगी के गुजर बसर कैले। इतना नेक इंसान रहलन कि जेकरा पास पैसा रहे उहो, जेकरा पास ना पैसा रहे गरीब आदमी के भी लड़कन के वो ट्यूशन कराव। गांव में अगल बगल जवार में बड़ा इज्जत के निगाह से उनके देखल जाए, उम्र 25 वर्ष रहे, लोग इज्जत के निगाह से देखें। मन में ठान भी ले रहा बिचारी, मने मन कह ले रहा कि जिंदगी में तो शादी कर ही के लेके हम, यही तरह आगे पीछे के बा, लड़कन के पढ़ाई ट्यूशन कराई, करा के जिंदगी का गुजर बसर हो जाए। लेकिन बाबू सामाजिक कह जला कि समाज शास्त्र के नियम है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, न पाप करता है न पुण्य करता है, जैसा परिस्थिति आता है वैसा ही करता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में रहना है। समाज के इतना दबाव पड़े लगल, लोग समझावे लगलन कि अरे बिहारी मास्टर देखा भाई अभी तर ठीक निके लागत, तू ब्याह शादी कला अपन
अपन ब्याह शादी कर ले घर द्वार बस जाइए परिवार हो जाइए तोहरो मन लागे लागी। आज तू अभी तो ठीक बड़ा काल गईले पुरान होकबा कौनो अगर भगवान खुदा न खास्ते कुछ कर कुछ हो जाए तो तार सेवा सुश्रमा करे वाला के बा। समाज के इतना दबाव पड़ल कि बिहारी मास्टर के झुके के पड़ल समाज के सामने और बगल के गांव में ही एक सप्ता नाम की बड़ी खूबसूरत लड़की रहे। वो लड़की से बिहारी मास्टर अपन शादी कर ले सविता के और बिहारी मास्टर के जिंदगी बड़ा खुशमय बीतत बा। भगवान इतने ना भगवान दूठे लड़का भी बिहारी मास्टर के दे दिया। आ दोनों लड़का तरे ऊपर दिहलन मतलब कि तीने साल के अंदर दोनों लड़कन के जन्म भई। पहला लड़का ओकरा तीन साल के बाद फिर दूसर का लड़का हो गया। पहला लड़का का नाम राम विलास दूसरा लड़का का नाम रामचरण। अरे बिहारी मास्टर जब ट्यूशन करा के घरे लौटे आ दोनों लड़कन के अगना में खेलत देखें तो करेजा हरियर हो जाए। समय धीरे धीरे बीते लागल बड़ा हंसी खुशी से मरद मेहरारू परिवार के जिंदगी गुजरत बा। अचानक एक दिन एगो घटना घट गल और बिहारी मास्टर के साथ घटना का घटल बाबू। बिहारी मास्टर को अचानक पैरालिसिस मार दिया जेके हमनी के देहात में लकवा कहल जाला। पैरालिसिस मार दिलस बिहारी मास्टर गिर गईलन। मेहरारू बड़ा परेशान भे लड़का दोनों छोटे छोटे राम विलास रामचरण। अब बिहारी मास्टर कैसन पैरालिसिस मरलस कि उनका उठे का गांव ना बा। दावा दारू होके लागल मेहरारू दावा दारू दौड़ धूप के करावे लगल। अब तक कमाई के स्रोत भी जौन रहे ट्यूशन करवाला का अब तक ट्यूशन करावे ना कमाई के दो पैसा का स्रोत भी उहो रुक गल। नतीजा ये निकलल कि मेहरारू अपन गहना गुड़िया बेच के शरीर पर जितना गहना गुड़िया रहे सब गहना गुड़िया बेच के अब बिहारी मास्टर के दवाई में लगा दिया। लेकिन बारे भगवान का लीला आखिर बिहारी मास्टर ठीक ना हो पोल। मेहरारू सोच गए कि अब हमारे कुछ करे के पड़े। अब बड़ी सुंदर धंधा उठोलस ओ फूलपुर गांव से दूध कीने आ ले जाके सुल्तानपुर बाजार में बेचे आ सुल्तानपुर बाजार से शाम के लौटे तो सब्जी खरीदे आ फिर फूलपुर गांव में ले आके सब्जी बेचे। एक दिन जाए लगल दोनों बचवन के छोट छोट छोटे लड़कन के घरे छोड़ के प्यारी मास्टर तो बेचारू खटिया पर गिरल हूं दूध लेके जाए लगल सुल्तानपुर। जब बिहारी मास्टर के देखल अपना दोनों लड़कन पर नजर पड़ल तो औरत बैठ के खटिया तर रोत और भगवान के उलाहना देती भगवान के उलाहना दे के रो के कहत पे एक लाइन तर्जबा मास्टर कहा तर्जबा प्यार से माई बहिने गीत के गावे लेन किया ही पार गंगा माई हो यही पार गंगा माई हो ओही पार जमुना हो
लेकिन मेहरारू रोवत थे, आ भगवान के उलाहना देते। भर लेके भरे ला तू जर लेके जा रे ला हो, और रोवत पे दोनों लड़कियन के देख के और भगवान के उलाहना देते, कहते कि का मालिक जिंदगी में हमसे कौन ऐसा बड़ा चूक हो गई जेकर सजा तो दिहला। रहला जे सहारा बेसा, रहलन जे सहारा बेसा, हर कोई दिहला हो, आ काहे गरीब मन के खुशी छीन लिहला हो, पनिए में पानी बिन मछरिया कर से हो, पति के समझा के कि लड़कन के घर से बहरी मत निकले दे, हम जात पानी दूध लेके। बेचारी दूध लेके गई जाके सुल्तानपुर बाजार में बेचत पे, तब तक बिहारी मास्टर के साथ वह हो गई जवन ना होके के जाए। बारे भगवान तू का किस्मत में लिख ले रहा। अचानक बिहारी मास्टर का ब्लड प्रेशर बीपी हाई भई और बिहारी मास्टर का ब्रेन हेमरेज भई। नतीजा निकला कि बिहारी मास्टर इस दुनिया को छोड़ के चल बस। बाबू के लग गए लड़का जाके हिला डुला के रोत वंशन की बाबू बाबू पापा पापा। लेकिन अब बिहारी मास्टर रहे कि बोले। गांव घर के अगल बगल पड़ोस के पता चलल, दौड़ के लोग अलन। पहले तो डॉक्टर के ले अलन, डॉक्टर कलन के अब कोनो फायदा नहीं के। गांव घर के भीड़ लग गई, सब लोग कल के भाई कम से कम इनका औरत के जाके सुल्तानपुर तन के खबर कर दी। जाके सुल्तानपुर बाजार में लोग सविता के बतौलन है सारी बात की ये दुनिया में तुहार पति ना हूं। अरे बाप रे बाप, कुल काम धंधा छोड़ के बेचल, दूर छोड़ के भागल, तोड़ल घरे आइल पे भीड़ लगल बा। खटिया से उतार के अगल बगल के लोग लाश के उत्तर दक्षिण के सुतौले हुए अंगना में लड़का छछन छछन के रोत होन हुई। बाबू के लगे बैठ के बिहारी मास्टर के छाती पे गिर के रोए लगल। जौना मेरारू के सामने आ जागे, पीछे केहू नहीं खे लेकिन के सिवा आज भगवान के रो के बात कहते या वो लाश के पकड़ के बिहारी मास्टर के लाश के पकड़ के रोत पे, अपने पति के लाश पकड़ के रोत पे और रो के पूछत उनसे कहा कहते बे बाबू रो के। ये रो के कहते कि कैसे धोई मांगी कैसे नूरावानू, कैसे धोई मांगी
कैसे नूरावानू हो बोला बबुआ के पापा आवे नाही दिल में सपुरावानू हो बोला बबुआ के एक बात रो के लाश पकड़ के रोत दे अगल बगल के लोग सारा गांव जुटल लगन भीड़ लगल बा लेकिन अपन पति के लाश पकड़ के आरो के एक बात कहते दिनवा नारा लागे सुझे ना उपैया उजड़ल खोतावा में तड़पे चिड़ैया अरे जिंदगी में घोराला महुरावानू हो जिंदगी में घोराला महुरावानू हो सुना बबुआ के पापा अबे नहीं दिल में सपुरावानू हो सुना बबुआ ए बाबू गांव घर की मदद लेकर के गांव घर के लोग खुल करके मदद किए बिहारी मास्टर की लाश को लोग उठाए ले जाकर के अंतिम दाह संस्कार किए उन्हीं दोनों छोटे छोटे बच्चों के हाथों से बिहारी मास्टर का मुखाग्नि दान करवाया गया। तेरही बीतल बिहारी मास्टर के कल सब क्रियाक्रम बीतल और बिहारी मास्टर के सविता अब दोनों लड़कियन के मुंह देख के जिए लागे लेकिन अब दूसर कुछ आधार रहे ना वही आधार था फूलपुर गांव से दूध लेना सुल्तानपुर बाजार में बेचना सुल्तानपुर बाजार से सब्जी ला करके फूलपुर गांव में बेचना। समय धीरे धीरे बीते लगल और दोनों लड़का धीरे धीरे अब सयान होखे लगल मेहनत मजदूरी कई के दूध सब्जी बेच के दोनों लड़कन के खूब पढ़ौलस राम विलास के रामचरण के। आज उस समय आ गई कि दोनों लड़का अपना पैर पर खड़ा हो गईलन कमाए धमाए दोनों लड़का लगलन। आज जब दोनों लड़का कमाए धमाए लगलन तो राम विलास बड़का लड़कवा एक दिन माई से कलस के माई सुन अभी दूध बेचल और सब्जी बेचल तू छोड़ दा अब हमनी के हो गई ले जा आ कमात बनी जा कहा तू परेशान बनू। ए भैया भगवान का महिमा भगवान ओहो मनोकामना पूर्ण कर दिया। गांव घर के लोग मिल के बड़का लड़कवा राम विलास का ब्याह वही बगले के गांव में एगो सरिता नाम के लड़की से करा दिया। अच्छा साल भर बीतल तब तक फिर तिलकरू जुटे लगलन अब रामचरण खातिर फिर गांव घर जोर लगावल रामचरण को भी शादी एक दूसरा गांव में करा दिया। मतलब कि राम विलास का भी शादी हो गई और रामचरण का भी शादी हो गई और अब दूदू पतोई के सास बन के अकेला सविता ओ घर में शान से बैठल रह। एक बार ओ घर में फिर खुशी के लहर दौड़ पड़ल आ जब खुशी के लहर दौड़ पड़ल समय बहुत खुशी से गुजरत बा भगवान एगो और खुशी दे दिया ला कि जोन रामचरण के औरत रह साल भर बीतला के बाद मतलब छोटका भैया का
राम विलास के छोटका भैया रामचरण जोन रलांकर औरत की गर्भ हो रही गई, उनका औरत से पहले ही एकर गर्भ रही गई। समय के अनुसार 9 महीना बीतल बा और बड़ा सुंदर दूठे जुड़वा लड़कन को जन्म दे ले बे छोटका भैया रामचरण को औरत। आ जब जुड़वा लड़का पैदा भइलन तब त एक बेर और ओ घर में खुशहाली छा गई, गांव घर कलश की बाह देखा भगवान फिर बुझ दिहलन और राम विलास रामचरण के यानी के अब परिवार आगे बढ़ जाए बिचरण के। बिहारी मास्टर के सब इस तपस्या का मतलब फल बाटे, संस्कार का फल बा। आज गांव घर खुशी मनावत बा और सविता भी खुशी में झूमत पे। कवि जी भाव दिहलन का तर्ज का लाइन बा मास्टर। किया बना सहाई हमसे अबना सहाई हमसे लहंगा के झोल माई रे हम ना जाईब बना सहाई हमसे लहंगा के झोल माई रे हम ना जाई ससुरा में पियावा तो कलो माई रे हम ना जाई मगर हमरे विरह का भाव दिहल गई। गौआ पखरिया झूमे गौआ पखरिया झूमे झूमे राम विलास खुशिया जाइल बाबू राम विलास कभी उतने खुशी बा दोनों भाई में इतना पटे बाबू इतना प्यार दोनों भाई कर रहल कि भगवान जे के भाई दे सो के वैसने दे। दोनों लैकन के जाके गोदी में उठा के बड़का भैया राम विलास रामचरण के बुलौलन और कलन की रामचरण सुन एगो लैका एकरा मिले तोर है एगो लैका हमारा। आखिर बड़ा प्यार से दोनों लैकन के नाव राम विलास एक बड़का लड़का का नाव राम रखलन आ छोटका का लक्ष्मण राम लक्ष्मण नाव रखलन।
लड़का धीरे धीरे बड़ होखे लगल सन, समय के अनुसार स्कूल जाए लगल सन। 12 बरिस बीत गई बाबू, लड़का धीरे धीरे मतलब 12 बरिस बीत गई, लेकिन देखा हर औरत के होला कि भगवान हमारा कोख में एगो बच्चा पैदा कर दे। जेवना औरत के बच्चा नहीं खे ओकर जिंदगी अधूरा बा, ई बतावल गई बा। आस पड़ोस के लोग ओकरा तनी कमो दुख बा, आस पड़ोस के लोग 2 बरिस 3 बरिस बीतत बीतत लोग बतियावे, मेरा रुआ बतियावे लगे आ फलानिया के कुछ हो ही ना का हो, मतलब ताना लोग मारे लगे। रामविलास के औरत सरिता के ये बात का दुख बा कि जना तो भगवान हमारा कोख में कुछ ना दिया, लेकिन रामविलास समझावे कि पागल हो, अरे दोनों लड़कवा हमनिये के ना हो, दोनों लड़कन में अंतर का बा। खैर बारे भगवान जे के देला ओके छप्पर फाड़ के देला। 12 बरिस बीतत बीतत ओ राम विलास का औरत भी गर्भ धारण कैलस। नतीजा निकलल कि समय अनुसार एगो बड़ी सुंदर खूबसूरत लड़की पैदा कैलस। आ जब राम विलास के लड़की भइल तो छोटका भइवा रामचरण बड़ी खुश भइल, वो बेटी के गोद में उठा के कहलन के भैया पहले तो हमनी के जिंदगी संवर गई कि हमनी के दोनों भाई के कन्या दान देवे के एगो बेटी मिल गई, आ दूसरा बात ई भइल कि दोनों लड़कन के राम के लक्ष्मण के एगो बहुत सुंदर बहिन मिल गई। कितना भाई में प्यार बा। अच्छा उन्हें दोनों लड़का भी पढ़त हुवन समय के अनुसार, अब पढ़े लिखे में तेज भइल, एहर लड़की धीरे धीरे बड़ होखे लगल। लड़की के नाम खुशी में दोनों भाई मिल के आरती रख, आरती भी पढ़त हो, धीरे धीरे स्कूल जाए लाके भइल ते स्कूल जाए लागल, पढ़े लिखे में हो तेज निकलल। लेकिन समय के अनुसार बाबू दोनों भाई मतलब रामचरण के दोनों लड़का राम लक्ष्मण जवानी के दहलीज पर भइल, आ जवानी के दहलीज पर जब भइलन ता दोनों भाई गोरखपुर भर्ती निकलल रहे, खुली भर्ती रहे, वही भर्ती में जाके खड़ा भइलन। आ देखा भगवान का माया, दोनों भाई सिलेक्ट हो गइलन एके संगे, मतलब फौज में दोनों भाई भर्ती हो गइलन एके संग में, दोनों भाई उनका जन्म भइल एके संगे, पढ़लस न लिखलस न एके संगे भर्ती भी हो गइलस। जब घरे पता चल बा तब लड़का के आदि कितना खुश भे, सविता माई बाबू तो खुश बढ़ले बन, सब खुश बढ़ले बा, लेकिन दादी और खुश भे। कहल जला कि आज कैसन जमाना आ गइल बा कि मुरवा के छोड़ के लोग सुदिया के ज्यादा ध्यान देते हैं। तब तरज बा का तरज का लाइन बा मास्टर, यह तरज हो कि रे लगड़िया चलावे ला पलमुआ, ए जगदीश बेटौना, रे लगड़िया चलावे ला पलमुआ देखेला नहीं ला कभी दिहलन। मलेटरिया में होई गईले भरती, मलेटरिया में होई गईले भरती, सिपाही भइले राम लक्ष्मण, माई बाबू के दिल में खुशिया आ बुढ़िया माई सविता के छतिया जुड़ाईली,
दोनों नाती के उतारे लिया रती, दोनों नाती के उतारे लिया रती, सिपाही भैया राम लक्ष्मण। एकदम हंसी खुशी से जिंदगी घर में बीतत। आरती बहिन भी धीरे धीरे जवानी के दहलीज पर जाए लगल। आज दोनों लड़का तो ट्रेनिंग खत्म भइल, 6 महीना का ट्रेनिंग कई के अपन दूसरे जगह, एक भाई के दूसरे जगह ड्यूटी लग गई, दूसरे भाई के दूसरे बॉर्डर पर ड्यूटी लगल, अपन दोनों भाई ड्यूटी कर लगन। खूब खुशी से जिंदगी ओ राम विलास के रामचरण के बीतत बा। अब का पूछे के बाद दू दू गो लेकर नौकरी करता। समय कुछ दिन बीतल, लेकिन देखा बाबू हम कलिया के जी अपना दुख से दुखित नहीं खे। आज के जमाना में वो दूसरा के सुख देख के बहुत दुखित बा। वही गाँव में एगो पाणे जी रह, जेकर नाम रहे त्रिलोकी पाणे। अच्छा तो उनकर एगो बहुत बड़ काम रहे, उ रोज एक खटिया के मरद मेरा रु दुई खटिया जले ना करें तले उनका पेट का पनिए ना पचे। आउ नहीं के मित्र रहलन ये छोटका भाई राम विलास का रामचरण। अब संगे उठे बैठे लोग, एक दिन कहलन त्रिलोकी पणे कि ये रामचरण तू बड़ा हमारा जीज मित्र बड़े संगी हुए। हाँ दू दू गो लड़का तोर नौकरी करे लगल स, आ तू आज तक पार्टी उटी ना दिहल। कहलन रामचरण की गुरु कवना चीज के हमरा कमी बा, भगवान सब कुछ अब दिले हमें, और जहिया कह पार्टी जवन कह तवन। त्रिलोकी पाणे कहलन की बताओ तोर लड़कवा तो फौज में रहल स, हौ समान एगो होला बोतल में मिलेला उ ले आवेल सन। त्रिलोकी पाणे जब विवाद कहलन तो रामचंद कहलन कि का उ रोम उम तक ले आवेल सन, आ तो हाँ हाँ उ है तो कहलन कि घरे रखले पड़े। कहलन कि हाँ गुरु बाबा उ तो लड़कवा जब असन दोनों दूगो चारगो ले असन, भैया साधु आदमी हम साधु आदमी छोई के नहीं के होते रहे उनके अलमारी में पड़ रहेला, जे के वो हनी के संगी साथी दोस्त आवेला कुल मांगेला दे देला सर। तभी तो अलमारी में कई ठे आ तो बोतल पड़ल अलमारी में। हाँ कल कि तब एगो काम कर कि आज जौन तार गाँव के बहरे ट्यूबवेल बा बोरिंग मशीन जौन बा वही मड़ई पर आज भौरी चोखा चावल दाल बनी आ ले हम कुल बनाई कलश की गुरु इंतजाम हम सब कह दे। अपन बड़ी ठाठ से बनल लिट्टी चोखा चावल दाल वही में तनी 100 ग्राम घी व धर के पड़ गए। 100 ग्राम से ना सबूर भल तो पंडित जी त्रिलोकी पाणे कहना कि नहीं अभी तनी घी कम होता तो पा भर घी पड़ गए। भगवान कमिए का देले रहा। ए भैया त्रिलोकी पाणे कहलन कि रामचरण अब देरी मत करा तनी ले और खोला। कहलन ले आके रामचरण धा दिलन, कहलन कि गुरु जितना मन करे उतना लेला और हमके तो एक से मतलब बाना कौन, हम संगे खाना खा ले। अपन हाली हाली अपन खोलत हुवन त्रिलोकी पाणे अपन बटाम तुरलन, अपन टक दे तुरलन बटाम अपन, ओकरा बाद दू गो गिलास में ढरलन। कहलन कि देख रामचरण तोरा से आज से कुछ कहले नहीं किया, ई दारू ना है दवाई है, आ यही से फौजियन के दिहल जला, तू ले ना देख साला कोई गुरु के कराला खत्म हो जाला। अब नाही नाही करत रह रामचरण लोग बरियन दोस्ती का हवाला दे के, दोस्ती का कसम धरा के आ त्रिलोकी पाणे वही रामचरण के एक पैक पिया दियलन। आ जब एक पैक पियोलन तब शरीर झंझनाई,
हमू कहिला बाबू की दारू पियल खराब चीज ना है, दारू दवा है। आ दारू पे वो हम गीत गौले रहे सुपर कैसेट में जो बड़ा आप लोग लाए कैले रहला हंस राज हंस के ट्रैक पर है। का गौले रहनी बाबू हंस राज हंस गौले रहन पहला कैसेट जो कैसेट के नाम रहे चूरनी टी सीज में गौलन की दिल चोरी सड्डा हो गया वो की करियो लेकिन एकरा पर ओरिजिनल ट्रैक मंगा के बंबई से आए ओरिजिनल हंसराज हंस के ट्रैक पर हम गौली का गौली दारू पर जो ना के बढ़िया आप लोगन प्यार दिहला महुआ के दारू छोड़ के भाई इंग्लिश दारू पियल करा तैयारी दारू पिए के कैदा बतौले हैं जगदीश जगदीश बेटौना पिए के होला कैदा एक पर एक करेला फायदा मस्ती के खातिर पिया मस्ती में होके जिया पिए के होला कैदा एक पर एक करेला फायदा मस्ती के खातिर पिया मस्ती के कारण जिया तू चरस हीरोइन छोड़ दा भाई इंग्लिश दारू पियल करा दूसर की अंतरा में गौले हैं गांजा से छाती जारे पिया वाला हीरोइन मारे खूब ठाक से पिया घरे बिस्की जब जब मन करे गांजा से छाती जारे पिया वाला हीरोइन मारे खूब ठाक से पिया घरे बिस्की जब जब मन करे तू ओम प्रकाश के जोड़ ला भाई इंग्लिश दारू पिया करा तो दारू पीना खराब नहीं है, दारू पी करके भक जाना खराब है। दारू का लिमिट होना चाहिए, दारू की लिमिट हुई दारू कभी तो के नुकसान नहीं के कर सका। ता बाबू एक पैग जब दारू पियलन राम शरण शरीर झंझनाइल आ शरीर झंझनाइल तब एकदम अब तो मस्ती आयल तो दूसर का पैग खाती भी गिलास आगे बढ़ा दिया दूसर का पैग भी तनी टाँटे पटियाला पैग दे दिल त्रिलोकी पड़े आ जब नशा में भैलन खाए तब अब स्क्रू ढीला करे शुरू कैलन त्रिलोकी पड़े कलन कि तू तो हमार संगी हवे आ ई बताओ कि राम बिलसवा के लैकिया अरतिया अब धीरे धीरे जवान हो गई ओकर ब्याह शादी करे के बाद आ ब्याह शादी हुई तो पैसा के कर लागी दूसर के उत तोरा घर में कमात नहीं के तोरे दूगो लैका कमात आसन तो ही दोनों लैकवन के लागी रामचरण कहलन कि गुरु ऐसन बात कहबो मत करिया अरे भैया हमार राम हवन हो राम आ भैया के लैकी ना है बल्कि हमार लैकी है ऐसन बात सपनों में नहीं के सोचे के कहलन त्रिलोकी पाने की जा तू हमार संगी है वह हम बता दिए अब सोचल समझल तहार काम बा त्रिलोकी पाने ते तीर मार दिया आ नशा में ही तीर जा के धस भी गई ओ रामचरण के दिमाग में लेकिन ओ घड़ी तो ऊपर खुलासा ना कर ले खा पी के हटल लोग सुबह भइल जब जगलन रामचरण अपन मर मैदान निपटान करे निकलन सिवान में तो उनका बार बार त्रिलोकी पाने का बतिया गूंजे उनका दिमागवा में कहे कि तीर तो धस चुकल है और तीर चला चुका रहलन त्रिलोकी पाने दिन भर रहने उन्हें रहल आ तब तक सांझ के दूसर का घटना घट बुढ़िया माई सविता के बोलोलस दोनों भाई इनका
राम विलास का रामचरण का कलश किए बेटा राम विलास रामचरण हम पाकल आम हो गई कब गिर जाए हमरे जिंदगी का कोनो भरोसा नहीं के बेटा अहम चाहता नहीं कि हमारा जियते हमारा नातिन के बारात आई थम देख लिए थे ये बात तकाल हो गई त्रिलोकी पाणे वर तीर मरल ही रहलन राम चरण के दिमाग में वो बतिया गुंजते रहे आ तब तक ही माई बतिया कह दिल शादी वाली अब काल हो गई खड़ा हो गईलन रामचरण कहलन के माई सुन भैया के लड़की है अर्तिया और भैया शादी करियन की कुंवारे रखे हम ना जानते हैं ए बात को भैया से कह दे भैया जाने हमसे कोनो मतलब नहीं के पहली बात और दूसरी बात एक और सुन ले कि हमके दो कट्ठा परी एक कट्ठा परी हमार जौन हिस्सा होके तू अपना जियते हमरा के बांट दे अलग कर दे और हम अपन मेरारू लड़का लेके एक ही कट्ठा में अलग से रह बूढ़ महतारी सविता रामचरण के जब बात सुनलस अवाक हो गई कलश की रामचरणा तू कैसे हिम्मत कह ले आई बात कहे के तोरा हिम्मत कैसे पड़ गई तू अलग रहे ना हमरा जीते जी कबो ना आ हर माई बात चाहे कि जब तक हम जीते नहीं हमारे बेटा बेटी अलग मत हो बेटन में बंटवारा मत हो हर माई बाप का ख्वाहिश हो लाख माई समझौलस डटलस लेकिन रामचरण माने के तैयार ना भइलन कालन की माई कुछ भी होके सोच समझ ले ना तो फिर हमारा वह काम करे के पड़ी दुनिया के जनावे के पड़ी और भाइयों सुनते हुए अगर तू ना मन भी तो हम पंचायत बटोर गांव घर बटोर के माई समझावत माई रोए लगल राम विलास उठ के वहां ले चल दियलन जाके दूसरे के द्वार पर सुतलन वो रात रोए लेकिन दूसरा दिन माई समझावत सवेरे रामचरण के बुला के रोत एक बात कहते का कह ले बे कि माई समझावे लगली माई समझावे लगली दुख सुनावे लगली कैसे डल बघारा में डण हो दुलरुआ चिटू की भर माहुर बेटा चिटू की भर माहुर बेटा हमके खियाई देता लेकिन मार जन छतिया में बाण हो दुलरुआ रोटिया मोहाल रोटिया मोहाल दुख बड़िया हो जाई दिन पहाड़ हो दूलरुआ आचार पसार तानी है आचार पसार तानी एक चीज मांगो तानी
बोरजन बुढ़ाई आके सान हो दुलारुआ माई लाख समझाई बाबू लेकिन रामचरण पर कौन असर ना पड़े। कवि तेरी के भाव लिखते पढ़ी के द मास्टर अब बटाई अब बटाई अब माई के ममता अरे बटाई बटाई हो राम बटाई अब माई के ममता विधि के आगे जग में कोई पार ना पाई। ए बाबा समय धीरे धीरे एक दिन गुजरल दो दिन गुजरल तीन दिन गुजरल आज वो परिवार में चूल्हा में आगी नहीं बढ़ल। राम विलास कहीं दूरे गिरल हूँ दूसरे के द्वार पर गांव में राम विलास के मेहरारू अपने घर में गिर के रोत बे रामचरण के मेहरारू अपने घर में बे बुढ़िया माई वही गांव के बहरे ट्यूबवेल मशीन जोन बा बोरिंग वही मड़ई में जाके गिरल बे रोत बे तीन दिन से घर में परिवार में भोजन नहीं बन एगो उहे बच गई बे लैकी आरती लैकी कहल जला कि बेटी अगाई बरोबर होली उ बेटी के लड़की आरती के जब समझ में आवे कुछ बनावे माई की ले जाओ माई दो दिन खेले हो गई ले कुछ मुंह में डाल ले माई कहे कि ले जा बेटा खाला ए तरह आज तीसरा दिन अचानक देखे संजोग रामचरण के बड़का लड़कवा को छुट्टी मिलल आ छुट्टी बितावे खातिर आज तीसरा दिने घरे आई बा देखत बा कि घर में दादी नहीं खे घर में गई बा अपना मायूसी छोले बा माई वाला घर में गई बा कहले बा कि माई का बात बा देखा था नहीं कि सब जहे के तहे गिरल बा का बात बा माई रोके कहलस के बेटा हम का बताए ई बात जाके अपना बाबू ले पूछला पता ना उनका मती में का हो गल घर से निकल के बड़की माई के घर में गई बा राम विलास कौरत जेवना घर में बे जाके पैर छोले बा माई आशीर्वाद दे लेबे कहले बा कि माई बड़की माई बताओ आखिर कारण का बा हम कुछ समझत नहीं की का परिवार में भई। राम विलास कौरत कलश किए बाबू हम का बताएं ये बात तो सबसे अच्छा बेहतर हुई कि तू अपने बाबू से पूछ लेता अभी घर से निकलते बा तब तक बहिनिया स्कूल से अपन वही बस्ता कापी किताब छाती तर दबल है आ घर में प्रवेश करते जीव भाई का देख ले बड़का भैया राम के आंख में आंसू डबडबा गई पैर छोले वे और मुड़ी गाड़ के जाए लगल घर में अपने रूम में पीछे पीछे गईल बा बड़का भाई राम कलश की ए आरती हम कुछ समझत नहीं की बताओ आखिर बात का सच्चाई बता रो के बहिन आरती कलश के भैया सच्चाई ये बा कि ये कुल झगड़ा के जड़ हम ही बानी नए घर में हम रहती आ नई झगड़ा होखी आ नई कलह भई रही आज तीन दिन से घर के चूल्हा में अग्नि नहीं जोड़ा ते भैया एगो काम करता
कि माहूर ले आके हमके दे दिया, हम खा के मर जीती, ना हम घर में रहती और ना हमारा चलते ही कला होके। भाई कहलस की अच्छा ठीक बा। घर से निकल राम, बहिनिया के बात सुन के गई ट्यूबवेल पर। दादी से कहलस की दादी कहीं गिरल बड़ी चल घरे। दादी सारी बात कह के रोए लगल कि अब कौन मुँह लेके हम घरे जाई बेटा। तहर बाबू के पता ना कहा हो गई दिमाग में, अचानक सारी बात बतौले बे। तहर बाबू अलगा होके के कहत हूँ। राम कहलस कि बाबू अलगा होके के कहत हूँ तो ठीक है, तो कहत हूँ कौन गलती कहत हूँ अलगा कह दे। अब तनी बचल खुचल जवन रहे वो खत्म। सोचत में दादी की बपवा तो कहते रहल एकर अलगा होके के लैको सुर में सुर मिलावे लागल, इहो अलगा होके के कहता। आ ई बात जब ओकर बाबू रामचरण सुन कि हमार बेटा छोटी आइल बा ओकरो मन बा अलगा होके के, अब का पूछे के बा। कान्ही पर गमछी धैलन, तिरलोकी पाने के लिहलन, आ पूरा गांव में घूम घूम कह अलन कि भैया हम भैया से काल हमार बंटवारा होता, चलिए लोग तनी हमरा सही सही बंटवारा आपको कह दिया। गांव के जे प्रधान रहे मुखिया रहे उन्हों के गैलन जाके अपन सारी बात बतौलन कि काल प्रधान जी मुखिया जी काल भाई से हम अलग होता नहीं, भैया हमसे अलग होता, तया के सही सही बंटवारा कर दिया। नतीजा निकलल का अल्लाह के लाइन में। दूसरे दिन भयल का कि जुटल पंचायत, ए बाबू जुटल पंचायत, जुटल गौआ जवा बटा गई, खरिहान बटा गई, गांव के प्रधान जी और गांव के जितना लोग जुटे रहे। सामने आके प्रधान जी कहलन रामचरण से कि रामचरण तोहरे कहला के अनुसार सब कुछ बटा गए, खेत खरिहान। अब बोला तब रामचरण एक बात कहलन, का कहलन प्रधान जी, जैसे खेत बटाइल, बदार बटाइल, खरिहान बटाइल, अब यही लगले देरी कैला के जरूरत ना बा, घरों द्वार बटा जाए ताकि अपन
छेड़दवाली दे के गणवारा दे के आ हमन अलग अलग रहल जाए। हम का खाता नहीं न भैया देखिए न भैया का खाता हम देखे। एक तरफ भाई बैठ के राम विलास फूट फूट के रोत हुन की बाहर रामचरण लेकिन बोलत कुछ ना। माई एक जगह गिरल बे बुढ़िया माई सविता रोत प्रधान जी घर बांटे चलन आ देखा यहीं से कहानी मोड़ लेती है। ये हमारे विरह का खासियत होला। हर विरह में बाबू अपन कांड में आप लोगों के बीच हम ही दिहल चाहिला कि कौनो विरह में नया मोड़ हो गए कौनो कहानी में नया मोड़ हो गए। हमार विरह यहाँ से फिर मोड़ लेते हैं। जब प्रधान जी घर बांटे चलन हाँ उस समय वो घटना घटल का घटना घटल बा जो रामचरण का फौजी बेटा था राम डांट करके बोला कि प्रधान जी रुक जाइए आपने सही बंटवारा नहीं किया। सब अवाक सभी लोग अवाक हो गए। प्रधान जी कहलन कि भैया अब का रहेगा जैसे जैसे कहलन तुहार बाबू सब सही सही गांव जवार देखल बंटवारा हम कह दिए कौने चीज में कमी रह गल कौन चीज में गलती हो गई तब बोलल बाराम सब कुछ बांट दिया जगह जमीन खेत बाजार खरियान अब घर के बंटवारा तब हुई। जैसे हमार बाबू दू भाई राम विलास रामचरण वही तरह हम हूं भाई दू भाई राम और लक्ष्मण तो जैसे बाबू लोगन के बंटवारा कर दिया वही तरह बेही लगले हमहनो दोनों भाई के बंटवारा कर दा राम लक्ष्मण के यही लगले अब देरी मत कर तबे घर द्वार बांटे दे और तबे घर द्वार बटाई यही लगले हमनों को दोनों भाई को अलग कर हमनों को जो हक हिस्सा होके वो दे दा। आ बाबूजी के लगवा जाके कलश की बाबू बड़का बाबू के लगे गई अब बाबू से राम विलास से कलश की बड़का बाबू तू गिरल का है वो काहे रोत हुआ तू तो कहत रहला बचपन से कि राम हमार लड़का लक्ष्मण रामचरण के तम तोहरे लेकर आई आ तोहरे लेकर रहा चला उठा अब प्रधान जी बंटवारा करा हमनो दोनों भाई को बंटवारा करा लेकिन एगो तनी बेईमानी कह दिया एगो बेईमानी कह दिया हमरे साथे ई बेईमानी कह दिया कि जवनी बहिन खाती हमार बाबू अलगा होता जवने बहिन के शादी के लेके हमार बाबू अलगा होता वो बहिनिया का हमारा हिस्सा में दे दिया
ये तनी बेमानी कर दिया, बल्कि हमार हिस्सा में ले एक कट्ठा अधिक, एक बीसा अधिक हमारे छोट भाई लक्ष्मण के दे दिया। लेकिन ई बेमानी कदा कि जोना बहन खाती हमारे बाबू अलग होते, वो बहनिया के हमारा हिस्सा में डाल दा। अरे बाप रे बाप, जब इतनी बात गांव के लोग सुनलन, प्रधान जी सुनलन, अवाक अवाक हो गए, सभी लोग देखते रह गए। बुढ़िया माई जब सुनलस नाती के मुंह से ऐसन बात, बुढ़िया माई उठ के बैठ गई कलश के बाहर। नाती हम ना जानत रहली कि घर के भगवान तो हुआ, तार नवे राम लेखे तू राम बड़लो बड़ा। अये बात के जब तिरलोकी पाने सुनलन, सोचे लगलन कि अरे यार इत हम खेलनी कुछ और हो गई कुछ और, कुल हमार लीपल पोतल रामचरणा के लैका सलाई खर खून कर दियालस। अपन धीरे से उठलन, छूतर झरलन, आ काने पर गमछी रखलन, मुड़ी लटकौले 9-2-11। हाँ ठीक कला, अपन चल दियालन। अब गाना के अंतिम लाइन में कवि जी लिखलन है, उ बड़का भैया राम एक बात कहता कि अरे धन दौलत के हिस्सा, धन दौलत के हिस्सा अब लगाई बाबूजी, अयरती बहिन हम के बखरा में चाही बाबूजी। अजबी बतिया राम के बाबू रामचरण सुनलन, आंख का पर्दा आंख से हट गल और दौड़लन जाके माई के पैर पकड़ के रोवे लगल। सविता के कैलन है का कि रामचरण रोवे धई के माई के चरनिया, माफ कर माई हमर सगरो नदनिया, तारो गरवा सगरवा लगाई बाबूजी, आरती बहिन हमके बखरा में चाही बाबूजी। जितना पंच जुटल रह गांव का प्रधान जी, सब लोग अपन साबसी दे के कि साबस बेटा भगवान जी के देशो के बेटा ऐसे दे। सब लोग चल गए रामचरण माई के पैर पकड़ के रोए थे। जब भाई रोए लगलन रामचरण, त राम विलास के ना बर्दाश्त हुए, उठन है जाके लग गए रामचरण के उठा के कलन की पागल। दिन भर के भुलाए अगर सांझ के घरे लौट के चली आवे तो के भुलाई ना कहल जला। आ तू तो हमार भाई है, कौना चीज खाती अलग होत रहले है, तोरा दिमाग में की भर देले रहला, तोरा खातिर हम जान देवे खातिर तैयार बने, खेत आ बधारा घर द्वार ई जगह जमीन कौना बात कबा कौना काम कबा। ए भैया तो जेके भाई देश भगवान ओके भरत जैसन देश, ना तो जरिए लिखल बा कि भाई जैसन हित न भाई जैसन दुश्मन, भाई हो तो भरत जैसा। सब लोग मिल करके रहने लगे और मिल के दोनों भाई मिल के खूब शौक से आरती का, दोनों भाई मिलके इंजीनियर से
लड़का इंजीनियर है, उससे शादी लोग की है। जब ये गाना लिखा जा रहा था तो मेरा प्रोग्राम अम्बेडकर नगर में था। मैं गया था पता लगाने के लिए, देखने के लिए बिहारी मास्टर का गांव और घर मैं गया था। बाबू आप लोग भी जाएंगे या गूगल या यूट्यूब खोल कर देख लेंगे सच्चाई क्या है। आज भी जो ही वो गांव में घुसबा, केहू से पूछबा कि ये भैया बिहारी मास्टर के घर कौन है। हालांकि बिहारी मास्टर तो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन नाम उन्हीं का चलता है। बिहारी मास्टर के घर कौन है तो लोग बड़ा प्यार से धोके देखी हन। आ कहीं देखा भैया गांव से बहरे जोन घर बनल बना वो है बिहारी मास्टर के घर, चल जा ये रास्ता चल जाए। गांव से बहरे दोनों भाई मिलके आज घर बनौले हूँ, फर्स्ट क्लास के दुतल्ला बिल्डिंग, और आज परिवार खुशी से हरा भरा परिवार है, फुलवारी वो हरी भरी है। आज खुशी से जिंदगी रामचरण राम विलास और राम लक्ष्मण के बीतत बा। हमारी भी रहा अंतिम लाइन बा कहल गेल का, जय जखान गुरु स्वामी जी के ओ।